लगा देते हैं भाई। एक पत्थर होता है किसी रास्ते में साइड में पड़ा है, उस पत्थर की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन वह पत्थर किसी कारीगर के हाथ में जाता है और कारीगर उसके अंदर जो नकामा भाग होता है, खराब हिस्सा होता है, उसको निकल देता है और किसी मूर्ति का आकार देता है, और वह मूर्ति किसी मंदिर में जाकर स्थापित होती है और हजारों लाखों लोग उनको प्रणाम करते हैं। इसी तरह से हम लोग भी आत्मा के रूप में पैदा हुए हैं, लेकिन यदि किसी महापुरुष के शरण में जाएंगे तो आत्मा से महात्मा बन सकते हैं, और महात्मा से अगर उत्तम करने के लिए तो महात्मा से परमात्मा भी बन सकते हैं। इंसान ये काबिलियत है, पर किसी महापुरुष के शरण में जाकर महापुरुष के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अपने गुरु महाराज के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर गुरु महाराज के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे तो इस महासागर में ये मनुष्य रूपी नाव है ये डूबकर स्वाहा हो जाएगी। एक उदाहरण आता है कि लंका में एक व्यक्ति उदास बैठा था, तो हिंदी सर ने पूछा कि भाई तू उदास क्यों है, कि उसने कहा कि भाई कि मुझे ये समुद्र पार करना है, पर मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना मेरे पास में कोई साधन है, मैं ये समुद्र कैसे पार कर सकूं, इसलिए मैं उदास हूं। तो विभीषण ने कहा कि देख भाई, आपको आपकी धोती के पल्ले में मैं एक मंत्र बांध के देता हूं, जिससे आप उस पानी के ऊपर चलते जाओगे, पानी के अंदर डूबोगे नहीं, ऊपर ऊपर चलते जाओगे। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ ठीक है भाई। तो उस विभीषण ने तुलसी के पत्ते के ऊपर ये दो अक्षर लिखा राम, दो अक्षर राम लिखकर धोती के पल्ले में बांध दिया और उसको कहा कि जाओ समुद्र में, आप ऊपर ऊपर चलते जाओगे, डूबोगे नहीं। तो उसने वैसे उस मंत्र के ऊपर विश्वास रख के वह समुद्र के अंदर उतरा, और जैसे समुद्र के अंदर उतरा और पानी के ऊपर चलने लगा, चलते चलते वह समुद्र के बीच में गया और उसको एक शंका पैदा हो गई कि अरे कि मेरे धोती के पल्ले के अंदर ही, मेरे धोती के पल्ले के अंदर ऐसा विभीषण ने कौन सा मंत्र बांधा है जिससे मैं डूबता नहीं हूँ, ऊपर ऊपर चलता जा रहा हूँ, जरा खोल कर तो देखना चाहिए। जैसे ही मैंने धोती के पल्ले से वह मंत्र खोला और खोलकर देखा और पढ़ा, और दो अक्षर लिखे थे राम। जैसे ही उसको पढ़कर उसका जो श्रद्धा थी वह अंधश्रद्धा में बदल गई और कहने लगा अरे ये तो एक छोटा सा राम का नाम है, छोटा सा राम का नाम है, ऐसा जो श्रद्धा थी वह अंधश्रद्धा में बदलते ही वह पानी के अंदर डूब कर मर गया। इसलिए हम सभी भी भक्ति करते हैं, गुरु महाराज के सानिध्य में गए हैं, लेकिन गुरु महाराज के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए तो ही इस महासागर से हम पार हो सकते हैं, नहीं तो उस मनुष्य उस व्यक्ति की तरह हम भी पानी के अंदर डूब कर स्वाहा हो जाएंगे। भाई ये महापुरुष हमें इस बंधन में से मुक्त कराते हैं और बंधन में से पल में मुक्त कराते हैं। कैसे? दो भाई थे, एक छोटा और एक बड़ा, उसके पास में एक कंबल थी और एक भैंस थी। तो अब वस्तु एक थी, व्यक्ति दो थे, तो दोनों व्यक्ति एक चीज को मतलब एक साथ में उपयोग में नहीं ले सकते थे। तो उस बड़े भाई ने कहा देख भाई, अपन है दो और एक भैंस और एक कंबल है, दोनों एक साथ में उपयोग में ले नहीं सकते हैं, इसलिए इसका बंटवारा करना चाहिए। तो छोटे भाई ने कहा कि भाई देख, आप बड़े हो, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप बंटवारा करोगे वैसा मैं स्वीकार करूंगा। तो उस बड़े भाई ने उस भैंस और कंबल का बंटवारा किया और कंबल को कहा कि देख भाई, ये अपने पास एक कंबल है, ये दिन को तू पास में रख लेना, आप पास में रख लेना और रात को मुझे दे देना, और जो भैंस है ये जो अगला हिस्सा छोटा भाई तू रख लेना और पीछे वाला हिस्सा मैं रख लूंगा। तो अब छोटा भाई का तो उसने स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई आपने जैसा बंटवारा किया वैसा बराबर है। तो जैसे ही वो रात हुआ और कंबल उसे छोटे भाई से कहे गए, एक छोटा भाई ना कंबल है दे दे, तो जैसे वो कंबल था वो दे देता और रात को बड़ा भाई आराम से उड़कर सोता और दिन उगता, और बड़ा भाई कहता ले भाई छोटा भाई ले तेरा कंबल ले, अब दिन को तो कंबल क्या काम है यार, वैसे ही रखे रहे पूरे दिन। और इस तरह से वह छोटा भाई का प्रेषण हो गया। तो ऐसे देवजी महाराज जी से महापुरुष के सानिध्य में गए, चरणों में गए, और देवजी महाराज जी ने एक कान में उस व्यक्ति के मंत्र गुनगुना दिया।
फिर उसने ये तरीका आपको घर जाकर अपनाना, तो बात ठीक है। तो वह घर आया और जैसे ही रात हुई और रात होकर सुबह हुआ और सवेरा हुआ और छोटे भाई को कंबल दे दिया, ले भाई तेरा कंबल। तो उस छोटे भाई ने क्या किया कि एक कुंड थी, उस कुंड में पानी भरा हुआ, उस कुंड के अंदर पूरे दिन कंबल भिगो के रखा, पूरे दिन भिगो के रखा। और जैसे ही शाम होने आई और उसने कहा कि ए छोटा भाई ला कंबल ला, तो उसने कहा ले भाई तेरी कंबल ले है। तो उसने गिली दे दी, तो उसने कहा अरे भाई ये क्या किया, अरे भाई मेरे समय में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब तेरे समय में तू कर क्या। इस तरह से जो बंधन में था वो पर मुक्त हो गया और भैंस का जो बंटवारा हुआ था अगला हिस्सा वो छोटे भाई को दिया। तो अगला भाग छोटे भाई को दिया, इसलिए खिला है पीला है और दूध खाए बड़ा भाई। तो उस वो भी है जो माँ पुरुष ने युक्ति बताई कि आप ये करना। तो जैसे ही वह बड़ा भाई सुबह हुआ दूध ने बैठा और वह छोटा भाई का बड़ा सा डंडा लेकर मुंह की तरफ मारने लगा, मुंह पर मारने, अगर मुंह के ऊपर मारेंगे तो कोई भैंस को दूध ने देगी क्या, नहीं। तो फिर उस बड़े भाई ने कहा कि अरे भाई कि ये तू क्या कर रहा है। भाई देख आपके हिस्से में आप करो ना यार, मेरे हिस्से में मैं तो कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे जो बंधन में हो तो ऐसे जो महापुरुष के शरण में जाएंगे तो पर्ण में अपनों को बेड़ा पार करवा देते हैं, पर्ण में इस भवसागर से पार करवा सकते हैं। पर हमें गुरु महाराज के ऊपर विश्वास, गुरु महाराज के शब्द के ऊपर, गुरु महाराज के वचन के ऊपर विश्वास हो। तब एक साखी में कहते हैं कि बलसागर की खोप में सतगुरु नाकी दोर, दोर पकड़ के ना सले तो क्या गुरु का दोष। भाई से एक शिष्य है वह कुएं के अंदर गिरा है, गुरु महाराज को पता चला कि भाई मेरा चेला कुएं के अंदर गिरा है। तो गुरु महाराज एक बड़ा सा रच्छा लेकर गया और रच्छा डाला और उसको कहा, चेले को कहा कि देख बेटा ये मैंने रच्छा डाला है, इसको पकड़ के तू ऊपर आ जा। तो खूब समय हो गया फिर भी ऊपर नहीं आया। फिर ऊपर से गुरुजी ने आवाज लगाई कि बेटा अभी तक तू ऊपर नहीं आया, क्या हुआ। तो उसने अंदर सेले ने क्या कहा कि गुरुदेव कि एक हाथ तो मैंने रच्छे को पकड़ा है और एक हाथ मैंने अंदर जो मूल है जड़ है उसको मैंने पकड़ रखा है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा जो जड़ है उसको छोड़ दे और रच्छे को पकड़ेगा तो जाके तुम ऊपर आएगा। इसलिए हमारे अंदर भी कौन सी भाई मूल कौन सा, जो हमने पहले खराब चीज पकड़ रखी है वो छूटती नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूँ भाई अगर बेसन छोड़ दे और माता बहन बेसन छोड़ दे ने, तो ये ऊपर स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, इस धरती के ऊपर ही स्वर्ग हुआ करता है भाई। बस हमें सही सलामत जिंदगी जीने आना चाहिए तो हम मतलब स्वर्ग यही है, कहीं ऊपर नीचे ऊपर नहीं है, बस हमारी जिंदगी को सही सलामत से जिए। एक भजन बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धीरे धीरे रे मना धीर सब कुछ मालिशी से सो गुना ए तू आवे पल हो बढ़िया सतगुरुदेव की जय हो। परणेवा आवे ला अदान
Thank you.